नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। योगी का बुलडोजर जब दहाड़ता है तो अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। जहां एक तरफ जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के गुण गाती है, तो वही विपक्ष इस पर सरकार को घेरने का काम करता है, बुलडोजर पर सवाल उठाता है। अब बुलडोजर पर सवाल उठा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती ऐसे तो एनडीए का समर्थन कर रही है दो बार से, लेकिन निशाना साध के वो प्रूफ कर देती है कि चाहे वो एनडीए का समर्थन कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो रविवार को दिल्ली राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में बुलडोजर की विध्वंसक और विभाजक राजनीतिक खेल से मुक्ति की जरूरत है। इसके साथ ही मायावती ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भी हिदायत देते हुए उन्हें स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा कि सरकारें गरीबों को ही क्यों उजाड़ती है। आगे उन्होंने कहा, इस मामले में कोर्ट के दखल से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, वरना दिल्ली के लोग भी बुलडोजर के विध्वंस का आतंक झेल रहे होते। देश जबरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है और सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। आपको बता दें, जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो मायावती ने एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, और जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तब भी मायावती ने एनडीए के उम्मीदवार रहे जगदीप धनखड़ का समर्थन किया था। उन्होंने इस जीत के बाद उन्हें बधाई भी दी थी और ट्वीट करते हुए लिखा था, देश के उपराष्ट्रपति पद पर श्री जगदीप धनखड़ की शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बीएसपी ने व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखकर उन्हें अपना समर्थन दिया था। उम्मीद है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का भरसक प्रयास जरूर करेंगे। अब रही बात मायावती के बयान की, तो उसका भी जवाब है। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि सरकारें गरीबों को ही क्यों उजाड़ती है, लेकिन मायावती को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी ने सरकार ने अपने ही पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलवाया है। यानी सरकार ने प्रूफ किया है कि एक्शन सबके ऊपर होता है और इसकी सराहना भी जनता कर रही है। साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर नारे भी लगा रही है और कह रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही है जनता। जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं आज योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं, और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें वो ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए, जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है, इसमें कहीं ना कोई किसी ना किसी कोई कमी होगी तभी खुश है। कब से यहाँ पर इन्होंने करवाया? 3 साल हो गए। 3 साल से? जी हाँ। तो 3 साल से कोई कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं करी? बहुत की है कंप्लेंट, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जरा बहुत स्लो है ना। अब जो है, जो इन्होंने आ रहा वो एक और कांड कर दिया, वो पहले इंक्रोचमेंट इतनी थी, अब और ज्यादा करना चाहते थे, उसमें पब्लिक भड़क गई, तो ये वो भी सामने आ गया, ये भी सामने आ गया। उस लेके से पुराना और नया वो दोनों सामने आ गया, इसलिए जो है ये दोनों। अगर रवैया उनका ना होता ऐसा तो इंक्रोचमेंट ही क्यों करते? रवैया तो शुरू से ऐसा है ना, तो तभी तो इनकी इंक्रोचमेंट करिए। इतने लोग रह रहे हैं, ये भी तो रह ही रहे हैं ना, ये वही इंसान थोड़ी है, सभी इंसान है। रावण के लंका उनसे नॉर्मल आदमी भी हैं, हाई आदमी भी हैं, सब लोग रह रहे हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसी हिसाब से रहना, 4 भाई बहनों में रहना है, फ्लैटों में सब अपना परिवार है, इनमें भाई बहन है सारे अपने।